बच्चों आज लाई हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स जो आपको बेहद पसंद आने वाली हैं, जो कि इस टाइम हमें परेशानियाँ होती हैं। और वो चलो कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। जैसे कि मच्छर मक्खियाँ इस टाइम हमें बेहद परेशान करती हैं। जब कोई खाना खा रहा हो या घर में कुछ मिठाई बनी हो तब मच्छर मक्खियाँ आ जाती हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो चलिए क्विक एक जुगाड़ करते हैं। इसके लिए कई इलाज तो मैंने आपको बताए हैं, पर अगर आपने कुछ नहीं कर पाया तो मैं आपको एक इंस्टेंट तरीका बताती हूँ जिससे आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। आप लीजिए पूजा घर से एक अगरबत्ती, कोई भी अगरबत्ती जो आपके घर में हो, उस अगरबत्ती पर थोड़ा सा स्प्रे कर लीजिए, जो हिट वगैरह हम मच्छरों के लिए लाते हैं ना, बस उस केमिकल को आप डाल दीजिए और अगरबत्ती को लगा दीजिए स्टैंड पर और उसे जला दीजिए। जैसे जैसे अगरबत्ती जलती जाएगी और उस पर हमने मॉस्किटो का जो छिड़काव कर रखा है, जिसकी वजह से मच्छर मक्खी बिल्कुल तुरंत वहां से भाग जाएंगे और अगरबत्ती की भीनी भीनी जो खुशबू है वो भी आपको परेशान नहीं करेगी, अच्छी लगेगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मिट्टी के बर्तन हम यूज करते हैं वही नानी दादी वाले, क्योंकि ये बहुत हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। खास तौर से मिट्टी के बर्तन में जब आप दही जमाते हो तब आपका दही बहुत गाढ़ा जमता है, क्योंकि दूध का जो एक्स्ट्रा पानी मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से दही खट्टा भी नहीं होता और दही गाढ़ा जमता है। अब दही तो हमने जमा लिया, खा भी लिया, उस दही के बर्तन को साफ कैसे करें, क्योंकि इन बर्तनों को हम जूठे बर्तनों में भी नहीं रखते। इसकी जितनी हम सफाई रखेंगे उतना ही ये बर्तन ज्यादा चलेगा। तो इसे साफ करने का तरीका आज आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले पानी को गर्म कर लीजिए और गर्म करके उसमें या तो थोड़ा सा विनेगर डाल दीजिए या फिर नींबू का रस डाल दीजिए, क्योंकि इसी से ये वाला जो बर्तन है साफ होगा। इस बर्तन को हम स्कॉच ब्रश भी नहीं लगा सकते, डिटर्जेंट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आपने डिटर्जेंट से इसे साफ किया तो होगा क्या, जो भी सब्जी बनाओगे या दही जमाओगे उसमें वो डिटर्जेंट का फ्लेवर आ जाएगा, तो आप कभी मत करिए। इसे आप गर्म पानी से इस तरीके से साफ कीजिए। स्कॉच ब्रश के जो पीछे वाले साइड में स्पॉन्ज होता है उससे आप साफ कर सकते हो, या नींबू के छिलके से साफ कर सकते हो, या नारियल की छाल जो छिलका रोया होता है ना उससे साफ कर सकते हो। ये दोनों तीनों चीजें हैं जिससे आप इसको आराम से साफ करके और बढ़िया तरीके से रख सकते हो। ये बहुत बढ़िया कढ़ाई तैयार हो गई है, साफ हो गई है। अब आप इसे सुखा के जरूर रखिए और रोज यूज कीजिए। बच्चों आगे चलें और ट्रिक्स को देखने, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पर अगर नए आए हो, सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर दिया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना तो टोटल फ्री है। घर में अगर कोई डायबिटिक मेंबर है उसके लिए सही मायने में रामबाण क्या है पता है आपको? ये है जामुन। उसे कैसे खाना चाहिए वो देख लेते हैं। जामुन एक ऐसा फ्रूट है जो बहुत कम टाइम के लिए आता है लेकिन अपने गुणों को यहाँ पर छोड़ जाता है। जैसे कि जो डायबिटिक मेंबर हैं उनके लिए जामुन अमृत के समान है। उनको आप थोड़ा नमक डालकर शेक करके दीजिए, उनका डायबिटिक बहुत अच्छे से कंट्रोल हो पाएगा। इनकी जो गुठलियाँ हैं उन्हें भी सुखा कर आप चूर्ण बनाकर रखिए। अगर कोई डायबिटिक मेंबर है तो थोड़ा थोड़ा 1/4 के आसपास धीरे धीरे लेना शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। जामुन के पेड़ जो पत्ते होते हैं बहुत ही नरम वाले, 5 पत्ते अगर सुबह कोई लेता है डायबिटिक मेंबर तो उसे बहुत जल्द आराम मिलता है। जो डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। इलायची पाउडर जब हम मार्केट से खरीदने जाते हैं बहुत महंगा तो मिलता ही है, लेकिन तब भी ट्रस्ट नहीं होता कि वो परफेक्ट पाउडर इलायची का ही है। और हाँ, घर में जब बनाते हैं तो छिलकों के बिना बनाते हैं सही नहीं बनता, छिलकों के साथ बनाते हैं तब भी सही नहीं बनता, तो आज ये ट्रिक जरूर देख लीजिए। नॉर्मल एक पैन ले लीजिए, उसमें धीमी आंच पे 2-3 मिनट के लिए इन छिलके समेत इलायचियों को सेक लीजिए। कलर वगैरह चेंज नहीं करना है, तेज आंच पे बस क्रिस्प सी हो जाए। जैसे ये ठंडी हो जाएंगी ना क्रिस्पी रहेंगी। अगर आपने इसे गरम गरम में पीस लिया तो इसमें मॉइस्चर आ जाएगा, ये गलती बिल्कुल ना करना। तो अभी बारिश का सीजन है, चाय वाय में हमें इलायची काफी चाहिए होती है, तो आप इस तरीके से इसका पाउडर बनाइए। इसको मैंने ठंडा कर लिया। अब यहाँ पर दूसरी ट्रिक बताती हूँ, ये पाउडर फॉर्म में छिलके समेत कैसे हो जाए। तो इसके लिए 2 चम्मच आप चीनी डाल दीजिए। अब आपने बढ़िया सा पाउडर बना के रख लिया, आप चाहें तो छाने, वैसे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको ना एक साफ जार में, कांच के जार में या प्लास्टिक के जार में, मतलब साफ में, सूखे में रखिए और लंबी चलेगी, इसकी खुशबू भी बनी रहेगी। देखा ना आपने कितना परफेक्ट इलायची पाउडर बना है, जो कि बाहर आपको बहुत महंगा मिलता। और हाँ बच्चों, इन सारी ट्रिक्स में आपको कौन सी ट्रिक ज्यादा पसंद आई कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।
अब बारी आती है आलू बुखारे को लेके, प्लम, जो कि इस सीजन में आता है। कभी कभी लेकर आते हैं, मीठे हैं खा लिए, कभी कभी इतने खट्टे होते हैं कि खाए नहीं जाते, उसका क्या किया जाए। चलिए दो ट्रिक आपको बताऊंगी, बहुत अच्छी है। इनको अच्छे से वॉश कर लीजिए, वॉश करने के बाद इसे कपड़े से पोंछ लीजिए और इतने मोटे मोटे पीसेस कर लीजिए। अब पीसेस करने के बाद आप एक बटर पेपर पर रखते जाइए और उसे सन ड्राई होने दीजिए। सन ड्राई आप तभी कर पाएंगे जब आपके घर में धूप आती है। यहाँ मैंने बटर पेपर पर जो रखे हैं उसे मैं 2 से 3 दिन तक धूप में रखूंगी और उसे मैं सन ड्राई करके रखूंगी। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके फ्रिज में ये रखे रहेंगे, मीठे से लगेंगे, श्रिंक से हो जाएंगे, डेट्स की तरह आप उसे खाते रहेंगे। और तो और, जो रेस्टोरेंट में दाल बुखारा मिलता है, दाल मखनी जैसा ही होता है लेकिन उसको नाम बोलते हैं दाल बुखारा, उसी में ये सन ड्राई प्लम यूज किए जाते हैं। आप भी रेस्टोरेंट जैसी उस दाल को, दाल बुखारा दाल को इसी प्लम से बना सकते हो। अब देखिए, अगर आपको वो सन ड्राई नहीं करना है तो दूसरा यूज मैं बताती हूँ। सारे पीसेस को आप मिक्सी के जार में डाल दीजिए गुठलियों को हटाने के बाद। उसके बाद उसमें आप चीनी डालिए, डिपेंड करता है आपको कितना मीठा पसंद है, और थोड़ा सा काला नमक, पानी डालकर उसे ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद उसे छान लीजिए। छान कर आप इसके लिए गिलास तैयार कीजिए, 2 से 3 गिलास लीजिए और उसमें ना बर्फ डालिए, क्योंकि मैंने इसमें जो पानी यूज किया था ना ठंडा नहीं था, तो मैंने अच्छे से बर्फ ली है। थोड़ा थोड़ा डेकोरेशन के लिए मैंने शरबत डाल दिया है, आपके पास भी कोई शरबत हो तो जरूर डालिए, और उसके बाद आप ना इसे सर्व कर लीजिए और इसके ऊपर भी गार्निश कर दीजिए थोड़े से पुदीने के पत्तों से। नेचुरल टेस्ट में इतना बढ़िया खट्टा मीठा, ये इतना बढ़िया जूस आपका तैयार हो गया है कि आपको इसे बार बार बनाने के लिए बार बार आलू बुखारे लाने। एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा, मेरी गारंटी है। फलों के राजा आम हर जगह आपको दिख रहे हैं, टाइप्स ऑफ आम दिख रहे हैं, लेकिन आमों को हमें सही तरीके से खाना कैसे चाहिए। ये जो फ्रूट्स वगैरह हम लाते हैं कई हाथों से गुजर कर हमारे घर में आते हैं, तो इसे हमें साफ करना बहुत ज़रूरी है। साफ करने के बाद इसे पोंछना भी ज़रूरी है, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग आम को छिलके समेत मुँह में खाते हैं, मतलब छिलका निकालते हैं लेकिन छिलके साथ मुँह में डालते हैं उस पीस को और फिर चूस के बाहर निकालते हैं, तो वो छिलका मुँह में जाकर बीमारी ना पैदा करे, इसलिए आम को धोना और पोंछना बहुत जरूरी है। अब बारी आती है, उसके बाद भी आम कई लोग नहीं खाते, इसलिए क्योंकि आम खाने से पिंपल्स हो जाते हैं या होंठ फट जाते हैं। होंठ फटने का क्या कारण है, आम का जो ऊपर वाला पीस है यहाँ पर हल्का हल्का दूध सा निकलता है, उस ऊपर वाले पीस को जरूर कट करें और आम को 4 घंटे के लिए भिगा कर जरूर रखें पानी में, उसके बाद ही आम को खाएंगे तो कभी किसी को पिंपल्स नहीं होंगे, होंठ नहीं फटेंगे, आम आपकी हेल्थ को बहुत ही तंदुरुस्त और मजबूत बनाएगा। तो आम खाने के लिए बिल्कुल ना कतराएं, लेकिन तरीके से खाएं। पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली को।